हेलो फ्रेंड्स, और आज हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ब्रिटिश की इंडियन स्टेट्स को अनेक्स करने की। इसको समझने के लिए पहले हमें सब्सिडरी लाइंस को समझना पड़ेगा। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि इंडियन किंग्स के साथ ना एक एग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है भाई, आप पे कोई बाहर से हमला होता तो हम अपनी आर्मी यूज़ करेंगे उसको डिफेंड करने के लिए, बट उसके लिए हमें कुछ राइट्स चाहिए। जैसे ट्रेडिंग राइट्स ले लिए, कुछ फॉरेन के राइट्स ले लिए, एक तरह के वो किंग को पपेट बना दिया और जो सारे ही जो एक्टिविटीज़ थी वो खुद कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो रूल कर रहे थे इंडियन स्टेट्स के ऊपर। तो अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। अकॉर्डिंग टू दिस, एनी प्रिंसली स्टेट्स अंडर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेयर द रूलर डिड नॉट हैव लीगल मेल हेयर वुड बी एनेक्स्ड बाय द कंपनी। उन्होंने सीधा एक रूल बना दिया कि कोई भी किंग जिसका कोई भी आगे बच्चा मेल ना हो, मेल हेयर ना हो, अगर वो मर जाता है तो उस राज्य को वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश राज्य में मिला देंगे। बहुत लोग इसको लॉर्ड डलहौजी के साथ जोड़ के देखते हैं, बट लॉर्ड डलहौजी ने इसको नहीं बनाया था, बट उसने इसको इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा किया था, इसलिए लॉर्ड डलहौजी के साथ ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जोड़ा जाता है। एज पर दिस, एनी अडॉप्टेड सन ऑफ इंडियन रूलर कुड नॉट बी प्रोक्लेम्ड एज ए हेयर टू किंगडम। द अडॉप्टेड सन वुड ओनली इनहेरिट हिज फोस्टर फादर्स पर्सनल प्रॉपर्टी एंड एस्टेट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी इंडियन रूलर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करता है तो वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज का हकदार होगा, ना कि पूरी एस्टेट का। उसको वो किंग नहीं मानेंगे, कोई भी उसको टाइटल नहीं देंगे और ना ही वो पेंशन ले पाएगा। अगर उसको फादर कोई पेंशन ले रहा है तो वो पेंशन लेने का हकदार नहीं रहेगा। इसी को यूज़ करके नाना साहेब को उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया था, वो हम आगे देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने चैलेंज किया इंडियन रूलर्स के एक अथॉरिटी को जिससे वो अपनी चॉइस का एक लीगल हेयर अपॉइंट कर सकते थे। अगर हम देखें कि कौन कौन सी स्टेट्स के ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा, तो 1824 में एक स्टेट थी किटूर, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए इन्होंने नेक्स किया। 1830s में और 1840s में भी काफ़ी स्टेट्स को नेक्स किया गया। जैसे ही डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनता है तो उसने सतारा जो एक स्टेट थी उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करके उसको नेक्स कर दिया। जयपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। जी हाँ, हमें सबको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार ये एमसीक्यू आ जाता है कि कौन सी स्टेट्स को अनेक्स किया गया और कौन सी स्टेट्स को नहीं किया गया, तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से। और मैं जो पहले बात कर रहा था कि नाना साहेब को अडॉप्ट किया था किसने, मराठा पेशवा बाजीराव टू, तो बात क्या थी, मराठा पेशवा बाजीराव टू पेंशन ले रहा था ब्रिटिश से, बट जैसे ही उसकी डेथ होती है तो उसका अडॉप्टेड सन नाना साहेब वो पेंशन की डिमांड करता है, बट ब्रिटिश उसको पेंशन देने से मना कर देते हैं कि ठीक है भाई, हमने ये रूल बनाया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज़ करके, हम आपको पेंशन नहीं दे रहे, हम आपको कोई टाइटल नहीं दे रहे, आप लीगल हेयर नहीं हो। उन्होंने नाना साहेब को लीगल हेयर मानने से मना कर दिया। तो अब देखते हैं इसके इफेक्ट क्या हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के। काफ़ी स्टेट्स को ब्रिटिश टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज़ करके। इससे क्या हुआ कि जो किंग्स थे इंडियन उनमें काफ़ी अनरेस्ट हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द मेजर काज ऑफ इंडियन रिवोल्ट 1857। वो कैसे, जैसे नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया, ऐसे रानी ऑफ झांसी ने जो सन को अडॉप्ट किया था उसको राजा मानने से मना कर दिया। अब दोनों ने रिवेंज लेने की बात कही और उन्होंने रिवोल्ट में पार्ट लिया। जब डलहौजी 1856 में वापस चला जाता है ब्रिटिश में, तो 1857 में इंडियन रिवोल्ट होता है, तो तब ब्रिटेन में काफ़ी उसकी जो उसका डेवलप टेन्यूर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन का टेन्यूर था, उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उसने यूज़ किया था उसको भी बड़ा क्रिटिसाइज किया गया कि हाँ, यही मेजर रीज़न था जो 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो अगर इसको मैं एक नटसेल में बोलूँ क्या चीज़ थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक बड़ी ही सूझबूझ से तैयार की गई एक नीति थी जिससे वो चाह रहे थे कि हम ना एक एक करके स्टेट्स को अनेक्स करें। वो पूरी इंडियन टेरिटरीज पे एकदम अधिकार नहीं करना चाह रहे थे, अगर वो ऐसा करते तो सभी ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते। उन्होंने ऐसा किया कि एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बनाते हैं कि अगर हम एक स्टेट को अनेक्स कर रहे हैं तो बाकी राजाओं को ये ना लगे कि इन्होंने कुछ इलीगल किया है। लॉर्ड डलहौजी ने इसको बहुत ही रैशली यूज़ किया, उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है, और यही एक मेजर रीज़न था 1857 रिवोल्ट का। तो अभी आपको पता चल गया होगा क्या क्या पॉइंट्स हैं। एक तो अगर मेल हेयर नहीं है, राजा मर जाता है, तो वो टेरिटरी ऑटोमेटिकली ब्रिटिश टेरिटरी में मानी जाएगी। जो भी डॉक्टर सन है वो सिर्फ फादर की पर्सनल प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, ना कि पूरी स्टेट का, उसको कोई टाइटल नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। थैंक यू वेरी मच।